हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं साउथ इंडियन मेंदू वड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। मेंदू वड़ा कई तरह के बनाए जाते हैं, उड़द दाल की, रवा की, जो कि सारी वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल है। फ्रेंड्स, आज ये जो है वो उड़द वाली मेंदू वड़ा है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मेंदू वड़ा बनाने के लिए हमने उड़द को, दाल को 8 घंटा पहले भिगो लिया है। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट सोक कर लीजिए, 8 घंटा का अंतराल होना चाहिए। ये अच्छे से फूल गया है, अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक बड़ा बॉल पे एक झरनी ले रखा है और इसमें हम ऐसे स्ट्रेन कर लेंगे। ऐसे आपको जल्दी से ये छन जाता है, हाथ से छानेंगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है। पानी को हम निकल जाने देंगे, फिर हम इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अपने दाल से पूरा पानी निकल चुका है, अब हम इसे मिक्सर जार में ऐसे उलट लेंगे। अब हमें इस दाल को, हम दाल को बिल्कुल सूखा सूखा ही पीसेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम 1 से 2 टेबल स्पून पानी यूज करेंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी दाल अच्छी खासी पीस चुकी है, पर हम यहाँ पे थोड़ा और इसे बारीक करेंगे। तो इसके लिए हमें 2 टेबल स्पून पानी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, तो आप देख सकते हैं मैं 2 चम्मच पानी डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, अपना मिक्सर जो है नीचे तक जाम नहीं होगा और अच्छे से पीस जाएगा। तो चलिए एक बार हम पीस के आपको फिर से दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा दाल जो है अच्छे से पीस चुका है, यानी कि एक परफेक्ट बड़ा के लिए दाल तैयार है। आप इसकी बारीकी देख लीजिए, ऐसे ही हमें उड़द दाल पीसना है। चलिए इसे हम बोल में ट्रांसफ़र करके आपको दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने बॉल से दाल को निकाल लिया है, अब हम हाथों की मदद से इसे फेंटेंगे। उड़द की दाल फेंटना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर इसे फेंटने का तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ऐसे झटका दे दे के फेंटेंगे तो ये एकदम हल्का सा हो जाएगा। आपको खुद ही महसूस होगा कि ये दाल कितना हल्का हल्का लग रहा है। तो करीबन 5 से 7 मिनट तक ये प्रोसेस करना है, इसमें आप घबराइएगा मत। आप देख सकते हैं हमने 5 से 7 मिनट तक दाल को फेंटा है एक ही डायरेक्शन में, तो ये दाल काफ़ी हल्का हो गया है और इसकी क्वांटिटी भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ये पहचान है। अब चलिए बाकी का इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, आप अपने क्वांटिटी के अनुसार ज़्यादा या कम कर लीजिए। यहाँ पे हमने 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर लिया है, जिसे हमने दरदरा कूट लिया है, यानी कि काली मिर्च। साथ में हम डालेंगे 1/2 टुकड़ा यानी कि 1/2 इंच अदरक को हमने ग्रेट कर लिया है। 2 हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है, उसे डाल लेंगे। 4 कड़ी पत्ता है जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है, और 1 छोटा टुकड़ा नारियल का है यानी कि कोकोनट, जिसे हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को फिर से हम एक बार फेंट लेंगे। ध्यान रहे नमक हम लास्ट में डालेंगे जब हमें फ्राई करना होगा तब, नहीं तो क्या होता है अपनी बेटर पतली हो जाती है। तो हम इसे मिक्स करके और ढक के छोड़ देंगे फूलने के लिए। तब तक अपनी बेटर भी फूल चुकी है मेंदू वड़ा का। हमने आपको बताया था कि हम बनाते टाइम इसमें नमक डालेंगे, तो यहाँ पे हम स्वाद के अनुसार नमक डाल ले रहे हैं और अच्छे से फेंट ले रहे हैं अपने मेंदू वड़ा के पेस्ट को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब रही बात कि मेंदू वड़ा बनाने में बहुतों को प्रॉब्लम आता है, तो उसका इजी तरीका हम 3 तरह से बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम अपने अंगुलियों को गीला कर लेंगे और इसमें से
मेंदू बड़ा का पेस्ट लेंगे। तो ये ध्यान रहे आपको कैसी साइज बनानी है। आप देखिए बिल्कुल मेरे हाथों में नहीं जीत पक रहा है। हमने गोला लिया, हाथ में पानी लगा के इस पे रख दिया, हल्का सा हम इसे फ्लैट किया और एक फिंगर के बीच में ऐसे हमें होल कर देना है। तो ये हुई अपनी मेंदू बड़ा। और हमने गैस पे तेल गर्म होने के लिए रख लिया है, तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। अब हम बड़े ही सावधानी से अपने मेंदू वड़ा को तेल में छोड़ देंगे। फ्रेंड्स ये बिल्कुल आसान है, केवल अपना ध्यान रखना है कि हमें कैसे इसको डालना है। मेंदू वड़ा हम एक से डेढ़ मिनट तक एक साइड से पकने देंगे, फिर इसे फ्लिप करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना मेंदू वड़ा बन रहा है। फ्रेंड्स एक डेढ़ मिनट के बाद हम इसे फ्लिप कर लेंगे। एकदम फुला फुला तैयार हो रहा है अपना मेंदू वड़ा। तो आप देख सकते हैं अपनी मेंदू वड़ा कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है। आपको लग रहा है होटल से बिल्कुल कम। तो ये हुआ अपना एक स्टाइल में मेंदू वड़ा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम चार से पांच भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हमें वीडियो में दिखाना है तो हम एक एक फ्राई करके आपको दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मेंदू वड़ा का दूसरा ट्रिक है, हम एक कटोरी लेंगे, कटोरी को और हाथों को हम पानी से ग्रीस कर लेंगे और हम इसमें से एक बॉल लेंगे मेंदू वड़ा के साइज़ का। तो ये बॉल तो आराम से बन गया। इसको हम कटोरी पे ऐसे जितना बड़ा मेंदू वड़ा बनाना है उतना बड़ा शेप देंगे और सेम प्रोसेस वही अंगुली से अपना होल कर लेंगे। इसको हम अपने हथेली में धीरे से उतार लेंगे। तो ये रहा अपना कटोरी वाला स्टाइल। चलिए हम इसे तेल में डाल के दिखाते हैं। तो गर्मा गर्म तेल में हम धीरे से अपने मेंदू वड़ा को छोड़ देंगे। तो ये अपना दूसरा स्टाइल है। फ्रेंड्स तीसरा भी मैं दिखा ही देती हूँ। हम ये झरनी का पिछले वाला हिस्सा लेंगे, इसमें हम तेल से या पानी से ग्रीस कर लेंगे और एक मेंदू वड़ा का हम लोई लेंगे, उस पर हम अपना मेंदू वड़ा का पेस्ट रखेंगे और इसमें भी हम एक छोटा सा होल कर देंगे। चलिए हम तेल की तरफ चलते हैं और हम इसे धीरे से ऐसे तेल में छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स ये अपना तीसरा ट्रिक हुआ। तो आप कई तरीका से आसानी से मेंदू वड़ा घर पे बना सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। चलिए हम सभी इसी प्रकार से फ्राई करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सभी मेंदू वड़ा तैयार कर लिया है। चलिए हम इसका एक्स्ट्रा तेल गिराते हुए डिश आउट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी मेंदू वड़ा बन के तैयार हुई है। अब चलिए हम इसकी फटाफट से प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो हम एक ऐसी वाली प्लेट लेंगे और एक में हम डालेंगे अपनी नारियल की चटनी। आप सभी को पता ही है। और दूसरे में हम डाल लेंगे अपनी टमाटर की तीखी तीखी चटनी। तो हम यहाँ पे प्यारा प्यारा अपना मेंदू वड़ा सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना मेंदू वड़ा चटनी के साथ तैयार है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना मत भूलिए। धन्यवाद।